Yeah, but. Yeah. Done. Perfect. Yeah. Roll, bolna. Rolling. Okay, firstly, good to see you in Khatro Ki Khiladi. You're going, it's a great news for all your fans because they wanted to see you in a reality show and you're doing a reality show. Tell us something about it. How's the feeling? I am feeling great. I'm feeling thrilled because actually, ये एक reality show है. The only reality show which I always wanted to be a part of it since I was a kid. जब ये international fear factor था, then it came to India. मैं हमेशा इस show को देख के मुझे लगता था यार ये show मुझे करना है. Because मुझे बचपन से ही adventures और मुझे वैसी वाली life बहुत पसंद है. I've always been that tough girl. सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मेरी जो डिफरेंट साइड दिखने वाली है बिकॉज प्रॉब्ली नोबडी हैज सीन मी डूइंग द थिंग्स दैट आई लव टू डू. सो दैट इज वेरी वेरी एक्साइटिंग. सो लोगों को भी एक नई चेतना से मिलने को मिलेगा विच आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट. रियलिटी शो के माध्यम से एक नया मीडियम एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन यू नो व्हेन टॉकिंग अबाउट योर करियर और समथिंग लार्जर इन लाइफ विशेस, तो क्या इस माध्यम से आपको वो लार्जर इन लाइफ विशेस फुलफिल होता है? सो आई थिंक यू नो आई नेवर न्यू कि एक्चुअली जो रियलिटी शोज़ हैं उनका क्या कॉन्सेप्ट है, बट आई हैव एक्चुअली बीन अ पार्ट ऑफ द रियलिटी शो. बट आई थिंक इट्स ग्रेट बिकॉज आपको जो आपके ऑडियंस और आपके फैंस होते हैं वो आपको हमेशा एज अ कैरेक्टर जानते हैं. जब उनको आपकी रियल सेल्फ से प्यार होता है ना, सो आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट विन. जब पीपल एक्चुअली गो क्रेजी फॉर हु यू आर एंड दिस इज वॉट माई मेन आइडिया इज दैट आई एम गोना परफॉर्म बी माई सेल्फ एंड कम बैक. आई एम नॉट थिंकिंग टू मच कि आगे लाइफ में क्या होने वाला है, आगे क्या चीज़ें मेरे आगे आने वाली. दैट इज़ होली सोली डिपेंड्स ऑन मी एंड माई टैलेंट. इफ़ आई एम टैलेंटेड नथिंग कैन स्टॉप मी. आई एम डेफिनेटली गोना गो अहेड एंड क्रैक व्हाटएवर बिग थिंग्स दैट आर देयर फॉर मी. बट ऑफ कोर्स रियलिटी शो इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू स्टार्ट विद बिकॉज बहुत ही रियल जर्नी होती है, बहुत ज़्यादा ड्रामा नहीं होता. इट्स जस्ट यू योर स्ट्रेंथ्स योर फियर्स यू गोना कॉन्कर ऑल ऑफ दैट. सो आई थिंक दैट इज वेरी एक्साइटिंग. वी हैव सीन यू इन क्लास ऑफ 2020 एस ऑफ स्पेस. यू हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस विद दैट. डू यू थिंक दैट एक्सपीरियंस इज गोइंग टू वर्क इन खतरों के खिलाड़ी? See that is that shooting thing is completely different, but जो आपकी life के experiences होते हैं, I think कहीं ना कहीं आप एक महीने में prepare नहीं कर सकते ऐसे show के लिए. ये आपकी life आपको starting से prepare करती है to come to a point where you feel today I am ready कि मैं सारे अपने fears को conquer कर सकूँ. मैं physically भी strong हूँ, मैं mentally भी strong हूँ. So I think मेरी journey ऐसे रही है. I've been alone in this city, बहुत सारे challenges accept किए हैं. So I feel I am completely prepared since my childhood to go and face something like that. Your good friend Varun Sood was also part of Khatron Ke Khiladi. क्या आपकी कुछ उनसे बातें हुई, कोई चर्चा हुई कैसे स्टंट किया जाता है, किस तरह से परफॉर्म किया जाता है? No, I am not in touch with him. But Arjun Bijlani is a very good friend of mine, and of course, usne mujhe kafi kuch bataya is bare mein that it's a great show. Be ready to go to your extremes. Bahut kuch hone wala hai, but just listen to Rohit sir and his instructions, and I think that will get you through this whole thing. So yeah, usne mujhe kafi interesting ideas diye hain, and he has won the show, which was brilliant, and his journey was also great. What fears you most, the water stunt or this animal stunt or height stunt? I think मुझे animals से भी डर लगता है और मुझे पानी से तो लगता ही है because there was a situation जहाँ मैं एक बार almost I was drowned shooting for a show. So पानी का बहुत ज़्यादा fear है. So just I'm waiting कि how do I conquer that fear. खतरे जब आपका रिस्क कम है, व्हाट डू यू हैव एनालाइज? आई मीन जब से ग्लैमर इंडस्ट्री में शो बिजनेस का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर क्या होता है? व्हाट इज द बिगेस्ट रिस्क यू हैव सीन? रिस्क फैक्टर अबाउट द शो इंडस्ट्री? या आई थिंक रिस्क फैक्टर, आई थिंक आपको लाइफ में रिस्क तो लेने ही पड़ेंगे बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. कभी भी आप एक तरह की चीज़ नहीं कर सकते, आपको हमेशा डिफरेंट टाइप की चीज़ें फिगर आउट करनी पड़ती है. सम थिंग्स वर्क फॉर यू, सम थिंग्स डजंट वर्क फॉर यू. सो बहुत सारी चीज़ें लोग कहते हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए. आई डोंट बिलीव इन दैट. आई फील कि आपको जो आपके लिए सही लगता है यू डू दैट, गिव योर 100% एंड लेट एवरी थिंग हैपन ऑटोमेटिकली. सो मैं किसी भी ऐसे रूल बुक के हिसाब से नहीं चलती हूँ. आई जस्ट व्हेन आई गेट अ राइट फीलिंग टू डू समथिंग आई जस्ट से येस. आई थिंक दिस वाज वन शो, द मोमेंट इट वाज ऑफर्ड टू मी आई ऑलरेडी आई वाज डूइंग अ फिल्म, बट
फिर भी मुझे लगा कि नहीं यार मुझे ये शो करना है. सो यू नो somehow I managed a lot of things and I finally chose this show which I'm very happy about because acting is also a great passion for me and adventure is also that. So I was in the thing what do I choose? But I chose this right now because I feel I was completely ready for this journey. Was it difficult for you to, because Brahmastra ki shooting abhi kafi baki hai and you are the part of it and doing. तो अब फिल्म की बात कर रही थी कोई उसकी शूटिंग बाकी रहेगी तो आई वाज एक्चुअली ऑफर्ड अ बिग फिल्म एंड आई वाज सपोज्ड टू डू इट आल्सो बट कुछ डेट्स का वो हुआ तब मुझे ये शो भी ऑफर हुआ था तो अर्लियर आई वाज थिंकिंग कि मैं क्या करूं देन फाइनली आई चोज कि मुझे ये करना है बिकॉज़ उसकी डेट्स थोड़ी सी आगे हो गई थी सो दैट्स व्हेन आई चोज दिस एंड व्हाट डू वांट टू से अबाउट द रोहित सर बिकॉज़ ही इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड विद इफ यू आर नॉट डूइंग द स्टंट ही विल शाउट यू एंड फनी आल्सो टेल अस हाउ एक्साइटेड आर यू टू वर्क विद एक्चुअली मैंने रोहित सर का बड़ा यू नो लाइक स्ट्रिक्ट वाला और जैसे व्हेन ही वाज इन सेट ही यूज्ड टू डू फन बट वो बड़ा फोकस वाला जोन था व्हेन ही इज डायरेक्टिंग एंड व्हेन आई हैव सीन द प्रीवियस एपिसोड्स ही इज एक्चुअली अ कंप्लीट डिफरेंट पर्सन ही इज डूइंग अ लॉट ऑफ फन आल्सो ही इज बीइंग सीरियस आल्सो वो डांटते भी हैं बट आई थिंक दैट्स द पार्ट ऑफ अ मेंटोर यू नो व्हेन ही हैज दीज 14 स्टूडेंट्स एंड हर तरह का आपको वो करना पड़ता है सो आई एम ऑल रेडी फॉर ऑल ऑफ दैट बिकॉज दैट इज ऑल इम्पॉर्टेंट दैट्स गोइंग टू टेक अस अहेड इन द शो. वी हैव सीन यू परफॉर्मिंग रियली वेल फॉर द एमटीवी नाउ यू आर पार्ट ऑफ कलर्स एंड एंडमॉल एंडमॉल हैज वन मोर शो कॉल्ड बिग बॉस एंड फैंस वांटेड टू सी यू इन बिग बॉस बट इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग टू सी यू इन खतरों के खिलाड़ी कैन वी सी यू इन बिग बॉस इन फ्यूचर. I don't know that depends on when it happens. First तो अभी मेरा all focus is on Khatro because I think Khatro is the kind of show which definitely suits my personality and which I always felt कि ये मेरे लिए बहुत apt show है इसलिए मैंने Khatro के लिए मतलब I was thinking कि यार अगर मुझे ऐसा show करने का मिलेगा I would definitely go for it first because this is very exciting like seeing yourself doing all of that it's something that you take up for the life मतलब आप lifetime उस चीज़ को देख के proud feel करोगे तो मेरे लिए ये ज़्यादा important है. Lastly a small message to your fans. I just want to say thank you so much for all the love and support you guys been showering. अभी मेरी एक नई journey start होने वाली है and I need all the blessings love and support from you guys and I promise I'm going to entertain you as much as I can. Thank you. Thank so you. Much.